नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। शिवसेना सरकार लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे कि विपक्ष के निशाने पर बनी रहती है, फिर चाहे सुशांत सिंह का मामला हो या फिर बिहार पुलिस के साथ नोकझोंक का। शिवसेना सरकार और उसकी बेरुखी अब सरकार को फंसाती जा रही है। जी हाँ, एंटलिया केस में अब तक जो हुआ जैसे हुआ वो सबको मालूम है, लेकिन अब राज ठाकरे ने जो आरोप लगाए हैं वो हैरतअंगेज है। ये पहली बार होगा जब राज ठाकरे खुलकर सामने आए हैं। जी हाँ, राज ठाकरे ने कहा कि अंबानी से पैसे वसूलने के लिए ये सारी थ्योरी बनाई गई जो ठीक नहीं है। पहले आतंकी बम रखते थे, अब पुलिस से रखवाया जा रहा है। बीजेपी के बाद अब राज ठाकरे ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। राज ठाकरे ने मराठी में ट्वीट किया, मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी विस्फोटक है, इससे महाराष्ट्र की छवि धूलमिल हो गई। गृह मंत्री अनिल देशमुख के तत्काल अपना इस्तीफा सौंपने की जरूरत है और इसकी गहन जाँच भी की जानी चाहिए। असल में महाराष्ट्र की सियासत में कल एक बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की एक चिट्ठी ने किया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर परमवीर सिंह ने दावा किया कि एंटलिया केस में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा था। परमवीर सिंह की एक चिट्ठी से महाराष्ट्र की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि एंटलिया केस में गिरफ्तार निलंबित असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने वसूली करने को कहा था। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि अनिल देशमुख की तरफ से सचिन वाजे को कहा गया था कि 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही करेंगे। आपको बताते हैं, एंटलिया केस से मुंबई की पुलिस के साथ साथ राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले एंटलिया केस की जांच मुंबई पुलिस से लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई। इसके बाद एनआईए ने मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। इसके बाद मामले में मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। इससे पहले मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। उनका तबादला होमगार्ड के विभाग में कर दिया गया था। अब परमवीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हो गया है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।